क्या आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस लाना? क्या आप चाहते हैं अपने अंदर के डर को भगाना? अगर हाँ तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज हम तीन ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनसे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो हम बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव मत सोचो। अब देखो, आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हो उससे पहले आप बहुत कुछ सोचते हो कि अगर मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार, यही सोचते रहते हो ना तुम। और यही सोचते सोचते तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अगर आप उस काम को थोड़ा पॉजिटिव सोचो, यानी कि थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा इफ़ेक्ट लगाओ बिना किसी नेगेटिविटी के, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें ही चलेगी। जितना आप नेगेटिव सोचते हो ना, उतने आप सक्सेस से डाउन होते जाते हो। तो दोस्तों, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको हर टाइम पॉजिटिव रहना है। सेकेंड नंबर है, अच्छे दोस्त बनाओ। आपके फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेम्बर, जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे आप भी वैसे ही बनते जाओगे। और हमें पता है जो नेगेटिविटी होती है वो जल्दी फैलती है, तो अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव सोचते होंगे तो वो आपको भी वैसे ही बना देंगे। खुद सोच कर देखिए, आपके चार दोस्तों का ग्रुप है, आप वो पॉजिटिव सोचने वाले, बाकी तीन है नेगेटिव सोचने वाले, तो वो नेगेटिव बातें ही करेंगे। छोड़ना काम करने का मन नहीं कर रहा, छोड़ना नहीं करेंगे, आपको काम ना करने के 10 बहाने गिनवा देंगे। आपको भी लगेगा फाइनली छोड़ना यार, छोड़ ही देते हैं। वो आपको भर देंगे कि छोड़ना यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, नहीं करते हैं, छोड़ना यार, मज़े करते हैं ना यार, लाइफ के मज़े लो, लाइफ मज़े का ही नाम तो है, काम करके कोई क्या कर पाया है, ज़िंदगी धुआं है, उड़ाओ भाई। ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, ना किसी को कुछ करने देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और पॉजिटिविटी लाइए। इसके लिए आपको कुछ अच्छे अच्छे दोस्त बनाने हैं जो खुद पॉजिटिव हों, जो आपके गोल्स हैं, जहां आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को चुने। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो क्रिकेट में कुछ करना चाहते हों। पॉइंट नंबर थर्ड है, आपने अपनी लाइफ में जो भी अच्छे काम किए हैं उन्हें लिखिए। आपने अपने स्कूल में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था तो उसे भी लिखिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसमें जीते हो तो बहुत अच्छी बात है। या आपके गोल्स के रिगार्डिंग आपने कहीं सक्सेस पाई थी तो वो भी लिखिए। इससे क्या होगा ये, आप जब भी नेगेटिव सोचो तो इसे देख लो। इसे देखने के बाद आपको लगेगा मैंने पहले भी कुछ किया था और मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं तो वो भी लिखिए। ये सब करने के बाद आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल दोगुना हो जाता है।